हेलो एवरीवन, दिस इज़ निलूफी नेहा खान एंड वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे DSSP में जो आपकी अपकमिंग वैकेंसीज हैं, तो उस टाइम पे आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है DSSP का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो चेंज हो चुका है हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद। ठीक है, और ये क्या चेंजेस हुए हैं, जैसे कि पहले आपसे ईडोजियर सिलेक्शन के बाद फिलअप किया करवाया जाता था, लेकिन कुछ कारणवश टेक्निकल इश्यूज के कारण कई बच्चे उस टाइम पे ईडोजियर नहीं फिल कर पाते थे, जिसकी वजह से उनका जो सिलेक्शन था वो रुक जाता था। ठीक है, अब इसी बात पे कई बच्चों ने केस किया और इसी वजह से जो हाई कोर्ट है उसने ये निर्देश दिए कि जो आप डॉक्यूमेंट्स बच्चों से मांगते हो तो वो आप जब भी एप्लीकेशन फॉर्म लेके आएंगे उसी टाइम आप बच्चों से वो डॉक्यूमेंट्स लेंगे, ताकि अगर जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं तो उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है आप उस टाइम पे कर लें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से आप बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। तो PRT का तो मैंने आपको कल जो वीडियो बनाई थी उसमें बता दिया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें TGD और PGD, दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लेकिन थोड़ा सा फर्क आ जाता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको डॉक्यूमेंट्स बता रही हूँ, होप सो सारी चीज़ें आप लोगों को ठीक से समझ आए। और हाँ, ये याद रखिए, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं अब धीरे धीरे सारे अपने डॉक्यूमेंट्स एक जगह लाकर रख देना। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST किसी भी कैटेगरी से। ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। OBC के लिए नॉन क्रीमी लेयर का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए प्लस, और यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, OBC कैंडिडेट सिर्फ दिल्ली के ही काउंट होंगे, यानी कि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। तो OBC कैंडिडेट्स को नॉन क्रीमी लेयर का भी सर्टिफिकेट चाहिए। तो अब ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आएंगे, ठीक है, उनसे पहले आपके पास ये सर्टिफिकेट होने चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें फादर कास्ट सर्टिफिकेट, ये बच्चों वही जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो उसका ऑथराइज्ड डिपार्टमेंट से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर आप किसी कोटा से, स्पोर्ट्स कोटा से अप्लाई कर रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट प्लस मेडल आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो उनका सर्टिफिकेट, और उसके बाद अगर हम बात करें डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जिसमें कि आपका डेट ऑफ बर्थ या तो सर्टिफिकेट हो, बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर आपके पास 10th की आपकी मार्कशीट को भी उसे कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, तो या तो 10th की मार्कशीट हो आपकी ओरिजिनल, ठीक है, और या फिर आपकी बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो पहले TGT का बता देती हूँ फिर PGT का बता दूंगी। ठीक है, तो PGT में अगर हम बात करें तो सॉरी TGT की अगर हम बात करें तो TGT में आपके पास जो मांगा जाता है, ग्रेजुएशन प्लस BEd प्लस आपका CTET पेपर 2। तो ग्रेजुएशन में आपके पास, अगर आपके जो सेमेस्टर वाइज एग्जाम हुए हैं तो सेमेस्टर वाइज जितनी भी आपकी मार्कशीट्स हैं वो चाहिए होंगी, पहली चीज, या फिर अगर आपका एनुअली ईयर तो आपकी एनुअली मार्कशीट्स चाहिए होंगी, ये याद रखिए। प्लस आपके पास डिग्री सॉरी डिग्री होनी चाहिए, या फिर अगर डिग्री, जैसे डिग्री में टाइम लगता है, 2 साल लग जाते हैं, गवर्नमेंट से लेते हैं तो 2 साल लगभग लग जाते हैं, ठीक है, कंप्लीट होने के बाद। तो अगर वो नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है वो भी चल जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया, पूरी 3ों ईयर की मार्कशीट्स आपके पास होनी चाहिए, या फिर सेमेस्टर वाइज है तो 6 सेमेस्टर की मार्कशीट आपकी, प्लस आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट या फिर डिग्री हो तो भी चल जाएगी। फिर इसके बाद अगर हम बात करें BEd की, तो BEd की भी मार्कशीट प्लस आपका जो डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट ये चाहिए होगा, प्लस आपका अगर BEd आपने किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से की है, जो कि 90% मेरे को देखने को मिलता है कि BEd ज़्यादातर बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर देते हैं, तो उसका अफिलेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, प्लस आपका जो कोर्स मतलब उस कोर्स के लिए वो यूनिवर्सिटी एप्लीकेबल है भी या नहीं, ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, और वो आपको यूनिवर्सिटी से ही मिल जाएगा अगर आपकी यूनिवर्सिटी बिल्कुल ऑथेंटिक है तो। ठीक है, तो दोनों ही सर्टिफिकेट आपको इजीली आपकी यूनिवर्सिटी से मिल जाएंगे। इसके बाद CTET पेपर 2, जैसे कि आपने जिस भी में भी किया हो वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें PGT की, तो PGT में आपके पास ग्रेजुएशन की 3ों या 6 सेमेस्टर की मार्कशीट, या फिर 3ों साल की मार्कशीट अगर है तो 3ों साल की मार्कशीट्स, प्लस आपके पास PG की मार्कशीट, प्लस
और प्रोविजनल सर्टिफिकेट या फिर डिग्री, ठीक है, और आपके पास बीएड और या बीएड की मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और कहना चाहूंगी कि जैसे पीजीटी में आप विदाउट बीएड भी अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर एक कंडीशन हो जाएगी कि यहाँ पर कंडीशन क्या रखी जाती है, या तो आपके पास पीएचडी हो उस कंसर्न सब्जेक्ट में, या फिर आपके पास 12th ग्रेजुएशन और पीजी तीनों में ही फर्स्ट डिवीजन हो। तो यहाँ पर जो आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए, आपकी 12th की मार्कशीट प्लस आपके पास आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट और आपकी बीएड की मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी चाहिए होंगी। और अगर आप पीएचडी के बिहाफ पे अप्लाई करते हो तो पीएचडी की आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो आपके चाहिए होंगे। होप सो सारी चीजें मैंने आपको बता दी होंगी, लेकिन हाँ यहाँ जो कंफ्यूजन हो रही होगी वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वालों को ही हो रही होगी कि अफिलेशन सर्टिफिकेट और कोर्स का जो कोर्स वो यूनिवर्सिटी कराने के लिए एलिजिबल है भी या नहीं। तो इजिली आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाना और उसके लिए अप्लाई करना, वो लोग अपने आप दे देंगे, तो टेंशन वाली कोई इशू नहीं है। 90% जो यूनिवर्सिटी है वो अपने आप अच्छे से सारी चीजें मैनेज करके रखती हैं, ठीक है। लेकिन हाँ ये चीज याद रखिए कि कई ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो कि जिनके पास अफिलेशन सर्टिफिकेट होता है, लेकिन कोर्स का जो सर्टिफिकेट जो होता है कि वो यूनिवर्सिटी उस कोर्स को कराने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो वो लोग कई बार उन्हें जो यूजीसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो लोग उसके लिए एलिजिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी वो इस तरीके के कोर्स करा देते हैं। तो प्लीज थोड़ा सा अवेयर रहकर चीजों को ध्यान में रखकर अपने ये सर्टिफिकेट्स रेडी कर लीजिए। प्लस इसके बाद एक चीज और, आपका आधार कार्ड या फिर जो भी गवर्नमेंट का एक डॉक्यूमेंट होता है वो आपके पास होना चाहिए, प्लस आपका राइट थंब इम्प्रेशन है, ठीक है, तो वो इजीली हो जाएगा। फोटो सिग्नेचर, ये सारी चीजें आपकी चाहिए होंगी। इसके बाद अगर हम बात करें आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, कई बच्चों के साथ क्या होता है कि जैसे 10th की मार्कशीट में कुमारी आ गया, लेकिन उन्होंने ग्रेजुएशन में कुमारी हटा दिया, ठीक है, तो ये चीजें पहले से ही सही करा लेना। अभी आपको पता चल गया वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने में जितना टाइम लग रहा है, उस टाइम पीरियड में आप लोग इस चीज को पूरा करा लीजिए, क्योंकि अब जो आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे वहां पर आपको ये पहले ही सारी चीजें मंगवा ली जाएंगी। और होप सो सारी चीजें आप लोगों के लिए यूजफुल रही हो, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है, तो हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये सारी चीजें एप्लीकेबल होंगी। तो सारी चीजों को मतलब इतनी सी चीजों के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस रुक जाए या फिर आप फॉर्म ना भर पाओ, तो ये कहीं ना कहीं एक नाइंसाफी वाली बात हो जाएगी। तो पहले से आपको सारी चीजें पता चल गई, और अब आप इस चीज को ध्यान में रख के अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कीजिए, और प्लस गूगल ड्राइव में एक फोल्डर बना के उन्हें सेव कर लीजिएगा, ठीक है, स्कैन करके। बाकी मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। होप सो ये सारी वीडियो, सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए यूजफुल हो, और कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगी किसी ना किसी माध्यम से आप लोगों की क्वेरीज को फुलफिल किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप पढ़ाई करते रहें और डॉक्यूमेंट्स अपने इकट्ठा करना शुरू करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।